हम तो प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख देंगे कि सर जरूरत पड़ेगी तो बताना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, यूपी के जो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और एक झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही संभाल ले। 4 आदमी कावासाकी बजाज पे बैठ गए और 20-25 दिलबाग गुटखा और मिलिट्री वाला जो हैंड बैग आता है उसमें बारूद और तंबाकू ये खाते ही है, तो 64 का डिब्बा इकट्ठा करके रखे कि मुसीबत में काम आएगा और 10-12 गोला सुधरी का। तो एक आप फ्रंटियर छोटा मोटा को यही संभाल ले। इतनी पड़ोसियों की खौफ नहीं है, डरेंगे तो वही है। हमारे इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं मंफोर्डगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे, तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहां हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे फवारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था, तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, तो हमने उसे कहा पे देख के नहीं चल पावे, तो कहा पे मार दे बम चित्रा जी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा हो एकदम तंग पलट के खड़ा हो गया, कहा मैं ज्यादा नेता ना, तो मार दे बम यहीं चित्रा जी हो। हमने कहा भारत की सरकार गलती हो गई, ये वो देश है, यहां कभी लड़ने वालों की कमी नहीं रही, लेकिन हम आदर्श लड़ाइयां लड़ते रहे।